हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो पर हम बनाने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत का पोर्ट्रेट। तो इसको किस तरह से बनाते हैं मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक A4 शीट और एक स्केल की मदद से यहाँ पर मैं 1 इंच के डायरेक्शन पर एक मार्क कर रहा हूँ। क्यों मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर हम जो पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ग्रिड बनाएंगे, एक तरफ हो गया, दूसरे तरफ भी हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर भी 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसके ऊपर भी हम 1 इंच करके मार्क करेंगे और इसको एक लाइन की मदद से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ मैं नंबर लिखूंगा और साइड में मैं अल्फाबेट लिखूंगा। इस तरह से मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आप पहले से ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करते हैं और मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम चल चुका होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, जो ग्रिड है उसको काउंट करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेप है ग्रिड बनाना, वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि हम यहाँ पर ड्रॉइंग करेंगे। ये देखिए D4, ये वाला बॉक्स देखिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा था। इस बॉक्स से मैं स्टार्ट करूंगा ड्राइंग। तो हमेशा की तरह मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ आई से। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर एक परफेक्ट आउटलाइन चाहिए तो बस जो वीडियो है उसको आप बिना स्क्रिप्ट के अच्छे से देखो और यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से दिखाऊँ बस आपको उतना ही फॉलो करना है। रेफरेंस फोटो को हम अच्छे से ऑब्जर्व करके जो हमारा आई है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर आईब्रोज बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर इतना डिटेलिंग में हम नहीं बनाएंगे, बस हम आउटलाइन बनाएंगे। पहला जो हमारा आई है वो रेडी हो चुका है। अब हम ये वाला आई बनाएंगे। हम अच्छे से हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने मर्जी से कुछ भी हम नहीं बनाएंगे। जितना भी हम बनाएंगे सब कुछ हम अपना जो रेफरेंस फोटो है उसको हम ऑब्जर्व करके ही बनाएंगे, तभी हमको एक अच्छा आउटलाइन मिल जाएगा। और हमने यहाँ पर दोनों आंखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ड्राइंग कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे नोज। नोज के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला बॉक्स है F वाला बॉक्स, अगर हम देखेंगे F, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर हम नाक बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे लिप्स। लिप्स के लिए मैं इन 3 बॉक्स के इस्तेमाल करूंगा। इन 3 बॉक्स के बीचों बीच में लिप्स को कंप्लीट करूंगा। अभी हम बनाएंगे दाढ़ी। दाढ़ी के लिए मैं यहाँ पर छोटा छोटा इस तरह से लाइन खींचूंगा। ज्यादा हम यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करेंगे, मैं पहले से आपको बोल देता हूँ। डिटेलिंग हम शेडिंग पर करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ आउटलाइन बना रहे हैं। तो आउटलाइन के लिए इतना सही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम दाढ़ी के लिए छोटा छोटा इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। अभी हम बनाएंगे कान। कान के लिए मैं यहाँ पर इन 3 बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा। तो है ना, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। बस अगर आपको इसी तरह का ड्राइंग चाहिए तो जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ बस आपको फॉलो करना है। हो सके तो जो मेरा वीडियो चल रहा है उसको आप पॉज करके भी बना सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये भी हो गया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे फोरहेड। फोरहेड के लिए भी हम बस एक लाइन खींचेंगे लंबा करके इस तरह से। ये फोरहेड भी हो गया। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे हेयर। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे जॉ लाइन। एक पोर्ट्रेट के लिए जॉ लाइन भी बहुत ही मायने रखता है। अगर जॉ लाइन कुछ टेढ़ा मेढ़ा अगर हो जाता है तो पूरा ड्राइंग जो है वो बेकार से हो जाता है, जो पोर्ट्रेट है वो अच्छे से नहीं आता है। तो जॉ लाइन जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर टाइम लगाकर अच्छे से आप करना,
ताकि परफेक्ट हो। जॉलाइन है वो हमारे यहाँ पर अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे दाढ़ी। दाढ़ी के लिए भी हम इसी तरह से हम लाइन खींचेंगे, छोटा छोटा हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ज़्यादा यहाँ पर डिटेलिंग करने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आउटलाइन है। जब हम शेडिंग करेंगे तब हम डिटेलिंग में करेंगे। तो बस छोटा छोटा हम यहाँ पर लाइन खींच के पूरा दाढ़ी को हम कंप्लीट करेंगे। दाढ़ी भी हो गए है, उसके बाद जो आखिरी वाला हिस्सा है वो है नेक वाला पोर्शन और क्लॉथ, उसको भी हम अच्छे से बना देंगे। तो बस इसी तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का एक परफेक्ट आउटलाइन ड्राइंग कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।